heading down the circle. क्या होता है सर, कुछ पता है? होली सेक्शन के हिसाब से मैंने बता दिया है। क्या बताया था? लोकस होली कोई कितने पे की डिस्टेंस फ्रॉम इट है। अच्छा, सर्कल की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नहीं मैंने बताया था कि यदि कोई फिक्स्ड पॉइंट है हर एक कॉनिक, क्योंकि सर्कल एक कॉनिक है, तो पहली बात ये हो गई कि सर्कल इज अ कॉनिक, पहला पॉइंट। क्यों पहले बता दिए या नहीं बता दिए? वो पूरा इंट्रो वाले पार्ट में बताया था। सर्कल एक कॉनिक सेक्शन है, तो ये इंप्लाई करेगा कि हम बनेंगे डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स मतलब एक फिक्स्ड लाइन से। और एक फिक्स्ड पॉइंट से मतलब फोकस से। क्लियर है ना? तो दिक्कत आया ना? यदि सर्कल है और सर्कल है, हमने इसे कोन के सेक्शन से निकाला है, तो इसका मतलब इसके पास, इसको हम बना सकते हैं एक डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से और एक फोकस के हेल्प से, तो बना सकते हैं। ठीक है, तो सर बनाएंगे कैसे फिर? तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? फिक्स्ड लाइन। यस। और फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने बताया कि E इज इक्वल्स टू वन पीएस ओवर पीएम। और सर्कल के केस में हम एकदम बेस के पैरेलल कट कर रहे थे। यस सर। तो सेप सेप हमें क्या प्रोवाइड करने वाला था? पॉइंट में जीरो प्रोवाइड करने वाला, मतलब इसेंट्रिसिटी जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्ट क्लोजेस्ट कर्व एंड सिमेट्रिकल कर्व, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे ई कितना था? जीरो। जीरो था। जीरो न बोल के इसे हम अप्रोक्सीमेटली बोले जीरो तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली अब जरा ध्यान से देखो, पीएस ओवर पीएम की बात कर रहे हैं। यदि पीएस ओवर पीएम जीरो है, तो पीएस ओवर पीएम जीरो होने का मतलब है कि पीएस यदि कोई न्यू वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है, और पीएम कांस्टेंट है, ये पूरा जीरो कब होगा? या तो एक केस कि पीएम ट्रेंडिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और पीएस जीरो हो जाए, तो पीएस जीरो होने का मतलब एक सिंगल पॉइंट होगा, आया ना? यस। फिक्स्ड पॉइंट ही बन जाएगा वो, तो पीएस तो जीरो होने से रहा इसका मतलब। तो पीएस यदि जीरो नहीं है तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इसको जीरो करना है तो एक केस बना कि या तो पीएस को हम जीरो कर दें, पीएम को नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये बन जाएगा ई जीरो, बन जाएगा। लेकिन पीएस का जीरो होना मतलब क्या है? पॉइंट सीधे फोकस बन जाएगा। पॉइंट का फोकस बनना मतलब सिंगल पॉइंट मिलेगा, तो उस केस में तो पॉइंट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आया ना? हमें बनाना क्या है? सर्कल। अब हमने कहा कि इसका मतलब सेकंड केस पीएम को कांस्टेंट रखें।
एम को सॉरी पी एस को कॉन्स्टेंट रखे और पी एम को हम टेंट कराए इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव है ना, तो पी एम को इंफिनिटी पे टेंट करा दे तो कॉन्स्टेंट अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी वो क्या बन जाएगा? जीरो जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस केस में सिंप्लिसिटी जीरो हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि इस मेथड से हम इलिप्स को सॉरी सर्कल को जनरेट करें तो सर्कल ना जनरेट होके हमारा e इज इक्वल्स टू जीरो की केस में आपको दिख रहा है कि जब जीरो ले रहे हैं तो या तो ये वाला केस जनरेट हो रहा है या तो ये वाला केस जनरेट हो रहा है, और यदि ये वाला केस ले रहे हैं तो पॉइंट जनरेट होगा, और यदि ये वाला केस ले रहे हैं तो मुझे पीएस को कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा और पीएम को गायब करना पड़ेगा। पीएम को गायब करने का मतलब क्या है? कि पीएम को इनफाइनाइट में भगा दे, नहीं आया ना, पीएम को इनफाइनाइट में भगा दे तब ये आएगा। और पीएस का कॉन्स्टेंट होना इसका मतलब क्या है कि वो पी मतलब मूवेबल पॉइंट, एस मतलब फिक्स्ड पॉइंट, तो मूवेबल पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करे तो बन जाएगा सर्कल, और ये बनता भी है। यस आया ना, इसका मतलब क्या है कि सही बात है इलिप्स के केस में, सॉरी इलिप्स कह रहे हैं सर्कल के केस में हमारे पास, देखो जरा ध्यान से बात, सर्कल के केस में हमारे पास एसेंट्रिसिटी जीरो होगी और जीरो के रिजल्टेंट ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, है ना? इस फिक्स्ड पॉइंट को हम पहले क्या बोलते आए हैं? फोकस। अभी भी बोलेंगे फोकस, है ना? क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि सर्कल को डिफाइन करते वक्त हम कहते हैं कि कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो अच्छा कांस्टेंट मतलब क्या है? देखो जीरो जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना? जीरो होगा तो वो पॉइंट बन जाएगा। यस सर। तो जीरो वाले केस को हम थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये हो जाए या तो ये हो जाए दोनों केसेस में। लेकिन इस बात में आपको समझ में आएगी कि पीएम बहुत दूर है, क्लियर है क्या? पीएम बहुत दूर है। डायरेक्ट्रिक्स इज एट इंफिनिटी, डायरेक्ट्रिक्स इज एट इंफिनिटी इन केस ऑफ सर्कस। हाँ जी, इज एट इंफिनिटी। तो ये चीजें हो गई। अब मैं पीएस को क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। पीएस को मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये रहा पी, ये रहा एस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस है ना, क्लियर है? तो ये फोकस बन गया, पी पॉइंट मूव कर रहा है, क्लियर है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो किसी पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं सर्कल, और अभी भी वही आया, डेफिनेशन निकल के भी वही आई, आया ना? अच्छा, एक और बात, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल रहे होते हैं? फोकस। और आप भी पढ़ते हो कि उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, क्लियर है? तो सर्कल के केस में मेरा सेंटर ही क्या होता है? फोकस होता है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है? इंफिनिटी। बात समझे? आगे बात करते हैं, हटा दें। अब ये तो पता चल गया ना कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, फिक्स लाइन कहाँ होगी? इंफिनिटी। और ये फिक्स पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर। तो अब हमारे पास क्या डेफिनेशन आई कि हम, अच्छा, कोई लाइन इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे होने का मतलब बहुत दूर है, तो क्या समझ सकते हैं उसके मतलब? लाइन बहुत दूर है तो उसका मतलब क्या समझ सकते हैं? कोई लाइन बहुत दूर है तो इसका मतलब क्या समझते हैं? उसका कोई यूज नहीं है ना, तो हम उसके और डिफाइन कर देते हैं सर्कल को, है ना? इसीलिए आपको छोटी कक्षाओं में इसका कोई यूज नहीं बताया जाता, ठीक
ठीक है, और अभी भी बड़ी कक्षा में आने के बाद भी आपको लोग वही डिसिपिटेड एग्रेसिव क्रिएट करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। तो मैं फिर से दे रहा हूं, अ पॉइंट मूव्स सच दैट इफ अ पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड क्या क्या कहा जाता है सर्कल एंड फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पहले कौन फोकस और सेंटर ऑफ सर्कल तो फोकस कहे या सेंटर कहे दोनों बात सेम बन जाती है। अब क्या है एंड द रिलेशन विच इज फॉलोड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? पीएस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, यही से पी को रखोगे आर्बिट्री पॉइंट रहेगा। क्लियर है? तो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे बढ़े। अति सुंदर हो गया, आगे बढ़े। अब क्या है यहाँ पे कि सर्कल की डेफिनेशन तो सर दे दिया आपने, इसका मतलब क्या है कि सर कोई जरूरी है कि यही डेफिनेशन हो? जरूरी है कि यही डेफिनेशन हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी वाले डेफिनेशन से आया तो यही डेफिनेशन है। एक खास डेफिनेशन आती है इसेंट्रिसिटी को जीरो करना है, जैसे जीरो कर लो आप, ये समझ रहे हैं? अब ध्यान से लिखिएगा, क्या कोई जरूरी है ये डेफिनेशन दिया जाए? तो सम अदर डेफिनेशंस भी दिए जाते हैं, और ऐसे अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। समझ आ रही बात? अब ध्यान से लिखिएगा, और कुछ लोग अलग भी डेफिनेशन देने लगते हैं, वो नारायण को अलग डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं? ध्यान से सुनिए, if a point moves such that if a point
अच्छा स्टार्ट ध्यान से देखिएगा ए बी है ना, ये दो एंड पॉइंट है डायमीटर के, इसे बोलते हैं डायमीटर ना, नहीं ये डायमीटर है और ये कोई मान लीजिए पॉइंट पी है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि पी ए और पी बी या एंगल बिटवीन पी ए एंड पी बी इज 90 डिग्री। तो ऐसे पॉइंट पी का लोकस भी क्या आएगा, सर्कल आएगा, और आपको पता भी है क्यों, क्योंकि भाई पी जो है वो उसी के सर्कल पे मूव करेगा ना, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, बड़े नहीं हो क्या, बड़े सर। तो ये देखो सेमी सर्कल बन रहा है, डायमीटर है तो सेमी सर्कल बना है, सेमी का सेमी सर्कल मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो सम कुछ अदर डेफिनेशन भी हो गया कि ई अ पॉइंट पी, ई फॉर पॉइंट पी मूव्स सच दैट such that if a point P moves such that it the angle subtended by a line segment किसी line segment के द्वारा जो subtended angle, और ये line segment द्वारा AB हुआ, इसके द्वारा P पे subtended angle मतलब ये is always क्या बन जाए, क्या बन जाए, जी राइट एंगल, राइट एंगल, देन लोकस इज कॉल्ड, लोकस इज कॉल्ड अ सर्कल, है ना, बात सुन रहे, एंड द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंड द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या, डायमीटर, कुछ लोग और भी अच्छे से डिफाइन करते हैं सर्कल को, तो और वो कहते हैं कि कोई दो फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए आप, ए और बी, और इन दोनों से कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि जो डिस्टेंस आ रही है, जैसे मान लो पी पॉइंट है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए d1 है और ये d2 है ना, तो पी ए ओवर पी बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बट नॉट इक्वल्स टू 1। आप केवल समझ जाओ कि ये क्या चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट लोकस, है ना, तो अलग अलग कंडीशंस में वो देंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्लियर है क्या, बिल्कुल, इतना
लिख ले सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? वो रिलेशन है ना, मैंने बताया जो रिलेशन किसी सर्कल की कंडीशंस या जो पॉइंट जिस कंडीशन को फॉलो करता है वही क्या होता है इक्वेशन। तो मैंने कहा कि मैथमेटिक्स कहती है कि ये पॉइंट पी होगा वो किसी आर्बिट्री पॉइंट पी है, तो पी है तो मान लिया एक्स कॉमा वाई है ना। अब देखो ध्यान से, यहां से कर्व्स आपके शुरू हो गए, तो देखो दो चीजें हैं आपके पास, पी पॉइंट है तो पॉइंट क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा फॉर्म मैंने बताया था, एक पॉइंट तो कार्टेशियन फॉर्म बताया, एक पोलर फॉर्म भी बताया, आप एक वो इलेक्ट्रिक पोलर फॉर्म भी बता दिया सर, बता दे क्या पोल पर, तो एक पोलर फॉर्म आर कॉमा थीटा, ये वाला आर कॉमा थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन आएगा जो आर थीटा वाला आएगा उसे पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे, पर एक रिलेशन आएगा जो x y वाला आएगा वो उसे बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्लियर है? अच्छा, अब कुछ और लोग होते हैं, मैंने एक और बात बताई थी स्ट्रेट लाइन का जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन आया, इसका मतलब इसका भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगा, है ना। तो ऐसे टाइप के इक्वेशंस पढ़ते चले जाएंगे, क्लियर है? पहला हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, तो हेडिंग डाल दो कार्टेशियन इक्वेशन। अब मान लो फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास x0 कमा क्या है y0 है, इससे पॉइंट p मूव कर रहा है phk है ना, अभी तो नालायक है ना, यस सर, hk, तो hk का x0 कमा y0 से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, इसे हमने बोल दिया, ये इसे ही बोलते हैं ना रेडियस, यस सर, तो इसे हमने बोल दिया r के बराबर है, यदि r के बराबर है इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो r के बराबर है इसका मतलब क्या है h माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y नॉट का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट में ये कांस्टेंट r के बराबर होना चाहिए, है ना? अब ये बन गया h के पहले आर्बिट्री पॉइंट का जनरल, अब बन गया जनरल पॉइंट, क्या करें दोनों साइड स्क्वायर कर दें, यस सर, तो ये बना h माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, क्लियर है क्या? हां ना, सॉरी r स्क्वायर है ना, r अब h के क्या बन गए हैं जनरल, तो वो h के को हम x y से रिप्लेस कर देते हैं, x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, है ना, क्लियर है क्या? यस, स्क्वायर कर दे मतलब ओपन कर दे, ओपन जैसे ही करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर माइनस 2x नॉट x माइनस 2y नॉट y प्लस x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है आया ना, यस सर, क्लियर है? अच्छा ये तो पूरा कांस्टेंट आएगा ना, यस सर, दिख रहा है ना,
आपको कांस्टेंट की आ रहा। अच्छा देखो ये x का कोफिशिएंट कुछ आ रहा है, y का कोफिशिएंट कुछ आ रहा है, तो यदि मैं कॉनिक्स के इक्वेशन से कंपेयर करूं, कॉनिक्स का इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से देखें तो यहां तो एक्स वाई है ही नहीं भाई, यहां तो सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई दिख नहीं रहा है, तो एक्स वाई कैसे नहीं दिखेगा जब h को 0 कर दे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फॉर सर्कल, फॉर सर्कल कोफिशिएंट ऑफ x y, कोफिशिएंट ऑफ मतलब सेम है आपके अरे x y क्या हो 0 लड्डू होने चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x y यदि लड्डू हुआ तो पूरा लड्डू बन जाएगा, नहीं एक्स वाई तो इसमें है ही नहीं ना, तो एक्स वाई नहीं है तो इसका मतलब वहां पे भी एक्स वाई नहीं होना चाहिए यदि सर्कल रिप्रेजेंट करवाना है। लेकिन साथ में एक और बात, कोफिशिएंट यहाँ पे ए और बी है, पर यहाँ पे कोफिशिएंट वन और वन है। यदि मान लो लंबदा से मल्टीप्लाई कर दिए तो लंबदा एक्स स्क्वायर लंबदा वाई स्क्वायर होगा, तो मान लो लंबदा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो सेम होने चाहिए, किसी भी कंडीशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो सेम ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, पहला कंडीशन ये, और दूसरा कंडीशन क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ क्या वाई, ये दोनों ही बराबर होने चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू।